सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस आर्क सर्वाइवल वर्ल्ड का, आर्क प्राइमल फियर 100x का। और आज का आर्क प्राइमल फियर 100x का जो एपिसोड है वो यहाँ पे शुरू करने से पहले, जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाफट से इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर से कर देना। अगर आपको आर्क पीसी, आर्क मोबाइल, माइनक्राफ्ट, रस्ट या किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर बनाने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में निट्राडो का लिंक है, वहां से आप लोग आराम से सर्वर बना सकते हो। तो निट्राडो सर्वर को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर से चेकआउट कर लेना। एंड अगर गाइज आप लोग ने हमारा इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड जो है गाइज वो अभी तक चेकआउट नहीं करा होगा तो भाई फटाफट जाके चेकआउट कर लो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम का मिल जाएगा। तो चलो गाइज अभी आज का जो हमारा एपिसोड है वो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और मचा डाल दे गाइज एकदम फुल टू तबाही। तो आज का जो एपिसोड है, इस एपिसोड में तुम्हारा भाई जो है गाइज वो क्या करने वाला है, मैं सोच रहा हूँ। ये गेंडे की वैसे पावर आपने पिछले एपिसोड में नहीं देखी है ना, तो जाके देखो गाइज। भाई ये गेंडे ने मुझे चौंका दिया भाई, सुपर चार्ज वाला पहला जो हमारा गीगा था ना वो एकदम घटिया और नल्ला था। लेकिन गाइज ये जो सुपर चार्ज वाला गेंडा है ना, इसकी पावर इतनी ज़्यादा है ना भाई, ओरिजिन्स को, मतलब ओरिजिन छोड़ो हमारा जो एपेक्स करप्टेड गीगा है ना उसको टक्कर दे रहा भाई। इतना पावरफुल गाइज ये गेंडा है और इसको हम लोग ने पिछले एपिसोड में ही बोल करा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज जो है ना, काफ़ी एपिसोड हो गए हम लोग ने कोई डायनो वगैरह टेम नहीं करा है, तो मैं सोच रहा हूँ केओस या स्पिरिट वाला कोई ओपी सा हाई लेवल वाला डायनो आज हम टेम करें। जैसे केओस एंड स्पिरिट में से कौन सा हाई लेवल का डायनो आज हमको मिलेगा, चलो देखते हैं गाइज हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है, ट्रैकिंग वाले मोड से देखता हूँ केओस, केओस वाला कौन सा डायनो अवेलेबल है। केओस भी मैं टेम कर चुका हूँ, केओस वाइब्रेंट 400 लेवल का टेम नहीं करना है, ग्रिफिन में टेम कर चुका हूँ, केओस थाइलो में टेम कर चुका हूँ, केओस ड्रैगन बॉस है भाई, लेकिन ये ठीक है। ब्रूड मदर स्पिरिट, स्पिरिट में क्या है, स्पिरिट में क्या मिलेगा। ओ भाई नो, 925 लेवल का स्पिरिट डोडो वाइब्रेंट, भाई साहब भी कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल नहीं गाइस इसको, ये काफ़ी रेयर होता है। स्पिरिट वाइब्रेंट काफ़ी मुश्किल से स्पॉन होते हैं, स्पिरिट वाइब्रेंट तभी स्पॉन होते हैं जब हम लोग ग्रिफिन कहाँ पे केओस, हाँ ये रहा, तभी स्पॉन होते हैं जब हम लोग गाइस केओस गार्डियन या स्पिरिट गार्डियन को मारते हैं, तभी गाइस ये वाले जो वाइब्रेंट है ये स्पॉन होते हैं। और वो वाइब्रेंट लगभग कितना 800 लेवल का यहाँ पे स्पॉन हो रखा है और इसको टेम करना तो बनता है, बट जो चीज़ दिख नहीं रही है उसको टेम कैसे करेंगे। और ये रही, ये तो काफ़ी मुश्किल से गाइस स्पॉट हो पा रहा है, इसको टेम करना थोड़ा चैलेंज। अटक है, न्यूब अटक गया था, ही वॉज अटकिंग ओवर देयर। अबे दिखे तो मारू, हरा भाई कुछ दिख ही ना रहा भाई। प्लान एक्स वाई जेड गाइस वर्क करेगा यहाँ पे, सिंपल बात है, एक डाई बॉम्ब मारो, थोड़ा दूर जाओ, थोड़ा दूर जाएंगे डाई बॉम्ब मार के ना तो मुझे फॉलो करते करते यार मेरे पिछू आएगा, फिर हम पार्ट से 360 पीछे घूमेगा और करेगा वर्क करेगा। डाई बॉम्ब मार के एकदम फुल दूर चले जाना है फिर उसके बाद पीछे घूम, अबे लग जाता तो क्या चला जाता भाई, आ रहेगा पिच्छू। अबे भाई कैसे मारूं मैं इसको, कान फाड़ दे रहे हैं। ठीक है रुको, ये टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, बट थोड़ा सा जो है ना कैलकुलेशन में। अबे इधर आना, इधर आइयो बेटा, इधर आइयो चुपचाप से, इधर आइयो बेटा, इधर आइयो, इधर आइयो ना। अरे ऐसा नहीं आना था, पूरा घूम घूम के आया भाई,
इसको मार। अटैक लगा लगा दे, अटैक लगा तो सही भाई, लगा तो सही बैठक। हाँ भाई, सफेदी की दुकान था पूरा, मैं दिख नहीं रहा था मुझे कुछ भी। रुको, लग जा ओरिजिन एरो। अंदाजन इतना मारो, कितना मारो भाई, अंधा कर दिया मेरे को ड्राइवर ने, मार मार के अंधा कर दिया भाई। शिट, या कुछ तो है, क्या है, किसका क्या है, बकरी तो मेरी शाइन और तो अभी तक जिंदा है भाई। इधर आ शैनोन, इधर आ शैनोन, इधर आ। अबे क्या करूं मैं इसको, लगा फाइनली फाइनली, अंदाजन भाई मैंने मारा था, लग गया उसको, आराम से बैठे रहना है। कहा है, अच्छा ये रहा भाई, एक तो स्पिरिट है ना तो दिख नहीं रहा यार डिग से, वो प्रॉब्लम हो रही है भाई, वो प्रॉब्लम हो रही है। अभी पीछा करते रहे मेरा भाई, पीछा करते रहे, तेरे को अभी टॉरपोर चढ़ने वाला है तगड़ा वाला। ठीक है बेटा, ओ शिट, मौत को चुके टक्कर से वापस आ गया मैं, देखा आपने गाइस, मौत को चुके टक्कर से वापस आ गया हूँ मैं। दे रहे भाई दो 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 मिलियन का डैमेज जो है भाई, देते रहे तो कोई सीन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आन दो भाई इसको, आन दो बेटा भाई, घूमते रहे मेरे गोल गोल पीछे पीछे, घूमते रहे भाई पीछे पीछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बम चिकी चिकी बम बम फेंक, चलो भाई हो जा बेहोश अभी तो। ओके ठीक है, बेहोश तो हो गया लेकिन अपने स्पिरिट अटैक के साइड में बेहोश हुआ है। ये स्पिरिट अटैक खत्म होने तो उसके बाद ही मैं नीचे जाके इसको टेम करूंगा, क्योंकि वो स्पिरिट वाले अटैक का इफेक्ट यहाँ तक पड़ सकता है और मैं मर सकता हूँ। ठीक है ओके खत्म, बस एक स्पिरिट और डालना है, काम हो जाएगा भाई। कितना मेहनत करना पड़ा भाई इसको नॉकआउट करने के लिए भाई, वो इसके अंदर दुद्दू है, मतलब ये फीमेल है क्या, चलो सही है। एक फीमेल स्पिरिट वाइवरन जो है वो हम लोगों ने फाइनली गाइस यहाँ पे टेम कर लिया, और मैं इसके ऊपर डायरेक्टली बैठ पा रहा हूँ, मुझे सैडल वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। चलो इसको अभी मैं यहाँ पर आराम से लैंड करा देता हूँ, एंड जो ये गाइस लोकेशन दिख रही है इसको हम लोग हटा दें, और अभी स्पिरिट वाइवरन के ऊपर बैठ के फुल गाइस तबाही मचाएंगे, सबकी बाढ़ बजाऊंगा मैं, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको पकड़ पकड़ के मारूंगा। ठीक है इसको अनफॉलो कर लूँ पहले, और स्पिरिट वाले वाइवरन का पहले मैं यहाँ पे ना स्पिरिट वाइवरन सैडल बनाते हैं, स्पिरिट वाइवरन का यहाँ पे स्पिरिट डोडो वाइवरन भी अवेलेबल है, बट अभी फिलहाल के लिए स्पिरिट वाइवरन का ही सैडल हम लोग बना रहे हैं। भाई क्या लग रहा है यार स्पिरिट वाइवरन, ये अनफॉलो क्यों नहीं हो रहा मेरे से भाई, मेरे से भाई ये मत बोलना कि ये फॉलो एंड अनफॉलो वाला भाई वो हो गया है ग्लिच। रुको ये ग्लिच हो गया क्या फॉलो एंड अनफॉलो वाला, नहीं 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 नहीं, ये वाइवरन ही ग्लिच था गाइस, वाइवरन ही ग्लिच था, वाइवरन ग्लिच था, ये रहा अपना स्पिरिट वाइवरन, स्पिरिट है गाइस, इसलिए आपको ठीक से जो है ना गाइस स्पिरिट वाला वाइवरन अभी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये स्पिरिट वेरियंट है वाइवरन का। ठीक है ये देखना, ये देखना, ये उतने अच्छे से दिखाई नहीं देगा आपको, ये रात में भी जो है गाइस बस ग्लो ही करते हैं, जब बस सवेरा होने वाला होता है ना तब इनका असली रूप जो है ना गाइस हम लोग देख सकते हैं, वरना इसे दिन में और रात में खास कुछ उतने खास दिखाई नहीं देते ही है। पूरे के पूरे जो है ना गाइस यहाँ पे हड्डी से बने हुए होते हैं ये डायनोज, और इनके अंदर से आप देख ही पा रहे होंगे वाइट कलर की एक एनर्जी जो है ना गाइस वो लगातार निकल रही है, और ये गाइस अपना स्पिरिट वाइवरन, ये वाइवरन स्पॉन होता है स्पिरिट गार्डियन बॉस को मारने से, एंड हम लकी थे कि हमको 800 लेवल का स्पिरिट वाइवरन यहाँ पर मिल गया। वैसे 900 लेवल का एक डोडो वाइवरन भी है जो कि बॉस है, सो बॉस को टेम करने में अभी थोड़ा टाइम है गाइज, एक दो दिन बाद बॉसेस को टेम करना भी शुरू कर देंगे हम लोग। अभी गाइज मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्पिरिट वाइब्रेन की पावर, और ये क्या क्या कर सकता है वो सारी चीज़ है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका बाइट अटैक, ओके इसके पास राइट क्लिक पे मार है चोर भाई, चोर को मार लो पहले, ठीक है। सो इसके पास ये यहाँ पे गाइज एक बाइट वाला अटैक, उसके बाद
मुंह से वाइट कलर की फायर छोड़ने वाला एक अटैक है, सीप है, विंग्स फड़फड़ाने वाला अटैक है, एक्सपेमेन अटैक है ना भाई, ये इसका एक्सपेमेन अटैक स्पिरिट बॉम्ब वाला, और यही इसका सबसे भाई फेवरेट एंड मेन अटैक है, और इसी अटैक का डैमेज जो है जो सबसे ज्यादा हाई जाएगा। मेरी शाइनॉन जिंदा है बेबी, ये एनी वाली शाइनॉन है ना, ये मेरी नहीं है, दो शाइनॉन दिखनी चाहिए थी, ये मेरी वाली नहीं है, ये शायद से एनी के बेस पे जो है ना वो शाइनॉन है 2333, ये शायद से मेरी नहीं है, ये एनी की है ना, ये मेरी है, ये मेरी है, अरे नहीं यार मैं बोला था भाई ये एनी की है भाई, ठीक है रुको ये एनी के, रुक जाऊँ बेस पे रख के आ जाता हूँ वापस से। मेरी वाली मर गई क्या फिर यहाँ पे? मेरी वाली अभी थोड़े टाइम पहले यहाँ पे थी, मेरे वाले के अंदर ट्रैकर है फिर भी क्यों नहीं आ रही है फिर ये? थोड़ी सी भाई पागल भी गले कह रहे तू, क्राई हो जाओ। शाइनॉन किधर है मेरी छुटकी? तेरे अंदर मैंने ट्रैकर डाल रखा है बराबर, है कि नहीं ट्रैकर? ट्रैकर निकल गया इसका, अच्छा ऐसा है क्या? ये ले ट्रैकर ले ना, ट्रैकर है इसके अंदर, ग्लिच हो गई है, ये ग्लिच हो गई है भाई, ट्रैकर इसके अंदर डाल के रखा है मैंने, रुको मैं आपको दिखाता हूँ, ये रे अपनी शाइनॉन, रुको इसको अभी मैं बाहर निकालूंगा ना तो ट्रैकर दिखेगा और अपने उस रिमोट पे भी ये दिखाई देगी, वो शायद से एनी के पास जो शाइनॉन है और मेरे पास जो शाइनॉन है वो दोनों सेम है, तो मैं भी दोनों ऐसे मर्ज तो नहीं हो रहे ना, इसलिए गाइस जिसका ट्रैकर नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैंने सेम शाइन ऑन जो है ना गाइस वो सोल गन से रिवाइव करके आने को दी थी, तो ये भी सीन हो सकता है। रुको मैं शाइन ऑन को बाहर निकालता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको, ट्रैकर है भाई ये देखो, देखो इसके अंदर है ट्रैकर भाई, दिखाई दे रहा है मेरे को, क्या शाइन ऑन यार तुम भी, चलो क्या भूख लगी है क्या इसको, इसको भूख लगी है, रुकना गाइस मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना हंगर पोशन खिला देता हूँ इसको, बेचारी शाइन ऑन, चलो अभी इसको लेके चलते हैं अपना कहाँ पे भाई, स्पिरिट वाइवरन एनी के बेस पे जाके एनी के शाइनॉन को जो ना कहीं उसके घर पे रख देता हूँ मैं वापस से, वो खुले में रहेगी ना तो कोई ना कोई आके उसको मार के चला जाएगा। बाकी आपको कैसे लग रहा है गाइस अपना स्पिरिट वाइवरन जरूर बताना नीचे कमेंट करके, और इसके लिए एक लाइक जो है गाइस वो तो बनता है भाई, लोग एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब तो बनता है भाई। रुको एनी ये रही है हमारी, एनी ये रही यहाँ पे बैठी हुई है, मैं आराम से यहाँ पर लैंड करता हूँ, नीचे ना गिर जाओ कहीं पर, इसको क्रायो कर लूँ एंड एनी की शाइन ऑन को हम लोग यहाँ पे वापस से बुलाएंगे, तड़ा ये रही गाइस हमारी एनी की शाइन ऑन। मेरी शाइन ऑन को जो ना गाइस मैं नाम दूंगा क्यूटी, ये हमारी क्यूटी रहेगी, अभी हम क्यूटी को बस हमारे पास बुलाएंगे, इससे जो ना कि एनी की शाइन ऑन मेरे पास नहीं आएगी, ये देखो कैसे लेटी हुई है भाई। चलो अभी चलते हैं और वाइवरन की पावर और इसका डैमेज वगैरह कितना जा रहा है वो जरा चेकआउट करते हैं। मेरे हिसाब से तो मैक्स लेवल हो चुका है, 30 बिलियन बाइट अटैक का डैमेज जब भी से जा रहा भाई इसका, ठीक है 200 बिलियन कर दूंगा मैं, 80 पॉइंट मिली डैमेज में डाल रहा हूँ, 8 पॉइंट बस खाली मैंने गए जिसके हेल्थ में डाले हैं, और बचे हुए 80 पॉइंट जो है वो मैं इसके मिली डैमेज में यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है तबाही मचाने वाले फुल, फुल तबाही मचाएंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे भाई, फुल तबाही मचाएंगे। इम्प्रिंट, इम्प्रिंट भी कर लेता हूँ गाइस, रुको मैं इसको इम्प्रिंट भी कर लेता हूँ, गायब ना हो जाए बस, नहीं हुआ, अरे यार मुझे लगा था 200 बिलियन जो है गाइस वो इसकी हेल्थ हो जाएगी, बट नहीं हुई, आई थिंक सो 197 बिलियन ही इसकी हेल्थ है, यस 197 जो है गाइस वो हमारे इस स्पिरिट वाले वाइवरन की जो है ना गाइस यहाँ पे हेल्थ है। दिखने में तो खास कुछ लग नहीं रहा क्योंकि दिन में ठीक से दिखाई नहीं देता, बट अगर आप ऊपर से देखोगे ऐसे तो देखना इसका लुक, थोड़ा थोड़ा इसका लुक जो है वैसे ऊपर साइड से आपको देखने को मिल रहा है। अभी गाइस मैं यहाँ पे आपको स्पिरिट वाइवरन की पावर दिखा रहा हूँ, बाइट अटैक माइनस में डैमेज, ठीक है बाइट वाले अटैक का माइनस में डैमेज जा रहा है, ठीक है लेफ्ट क्लिक अटैक कौन सा है, फायर अटैक, आई थिंक इसका ग्लिच होगा, ये सारे डायनोज की तरह फायर अटैक इसका ग्लिच है, सिवाल अटैक विंग्स फड़फड़ाने से डायनोस को बस हम लोग हवा से दूर भाई यहाँ पे फेंक सकते हैं, ठीक है ऐसे, ठीक है दूर बस थोड़ा ढकेल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इसका मेन अटैक है हाईएस्ट डैमेज देने वाला ये, माय
माइनस में डैमेज बोल दे भाई, लेट्स गो। मैं एकदम तगड़ा वाला माइनस में डैमेज दे रहा हूँ, देखो फट जा भाई। मेरी जान, ये जो अटैक है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक होता है अपने स्पिरिट वाले वाइब्रेंट का, और इस अटैक से बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। तो कोई भी इसके अटैक से जो ना कि जितने ज्यादा आसानी से बच नहीं पाएगा। ये देखो ऐसा डालेंगे सीधा गेम में खत्म। कितने ज्यादा बड़ा बड़े एरिया में गैस गिर रहा है, देखो ये अटैक। कोई भी भाई इसके अटैक से बच नहीं पाएगा, कितने बड़े एरिया में गिर रहा है देखना। खत्म खत्म, सीधा गेम ओवर। और इसके अटैक का आवाज भी काफी ज्यादा लाउड आता है, और जब इसका अटैक गिरता है ना, तब आजू बाजू कुछ ज्यादा ही रोशनी भी भाई यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। रुको मैं एक काम करता हूँ, मैं बेसिक अटैक कितना डैमेज दे रहा है वो तो पहले देख लूँ। मैं एक स्पाइनो को बुलाता हूँ हमेशा की तरह हमारे, ये रहा स्पाइनो, अर्जेंट एविस आ गया। चलो स्पाइनो आ गया और अर्जेंट एविस भी। स्पाइनो का 57 बिलियन हेल्थ है, बाइट वाले अटैक का डैमेज 8 बिलियन जा रहा है इसके ऊपर, मतलब 80 बिलियन का डैमेज हमारे वायोरन के बाइट वाले अटैक का जा रहा है। 80 बिलियन डैमेज बाइट वाले अटैक का जा रहा है, सिर्फ बाइट वाले अटैक का। और मैंने सिर्फ बाइट अटैक करके ही ओरिजिन स्पाइनो की बैंड बजा दी। अभी स्पेशल एक्स वाला अटैक, बम चिकी चिकी भाई, अटैक बस फटा। और अटैक फटते ही ओरिजिन वाला जो वहां पे अर्जेंट एविस था वो गायब। अटैक तो फट के नीचे गिरा भी नहीं था, बस फटा था। रुको रुको, वन सेकेंड, वंस मोर। अब भाई नोवा द डिस्ट्रॉयर को, नोवा कैसे है रे, नोवा द डिस्ट्रॉयर क्या हाल चाल, रुक जा। बच्चा है बच्चा, देख रहे हो गाइस, देख रहे हो, छोटा बच्चा है भाई नोवा द डिस्ट्रॉयर भाई। इजी पीजी एक फटके में सीधा गाइस उसका गेम ओवर हो गया है। स्पिरिट वाइब्रेंट गाइस कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड होता है भाई, इसलिए इसके अटैक से जो ना कोई बच नहीं पाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक और डेमो दिखाता हूँ भाई। नीचे बैठा हूँ मैं, एंड ये सारी चीज़ें मुझे फेंकने दो, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे सारे ओरिजिन को बुला ले सारे ओरिजिन को, बस एक अटैक देना है यहाँ पे, खत्म। अटैक जैसे ही फटा वैसे ही वाइब्रन को छोड़ के सारे डायनोज मारे गए, ठीक है। और ये देखो वाइब्रन भी कब का मर चुका है, सबकी पेटी अटैक जमीन पे गिरने के बाद ही डायरेक्टली बन गई थी वो, मतलब फटने के बाद, वो जमीन पे भी नहीं गिरा। ये बम जो है ना देखो ऐसे जाता है और ऐसे करके फटता है, और फटने के बाद जमीन पे गिर, तो पूरी चीज जो है ना गाइस वो अटैक जो हमारा स्पेशल स्पिरिट बम वाला अटैक है वो फटते ही डायरेक्टली मर रहे जमीन पे गिरने से पहले। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा ये जो स्पिरिट वाला वाइब्रेंट है वो कितना ज्यादा ओवर पावर, कितना ज्यादा ओवर पावर भाई, सबके ब्रांड बजा के रख रहा गाइस मैं स्पिरिट वाले वाइब्रेंट से। बाकी अब बताना गाइस आपको हमारे स्पिरिट वाले जो वाइब्रेंट है वो यहाँ पे कैसे लगा। अगर आपको हमारा स्पिरिट वाला जो वाइब्रेंट है ना वो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाकी आज का ये जो एपिसोड है सर्वाइवल बोल का और प्राइमल फियर 100x का वो जाता है ये पे खत्म। मिलते हैं सीधा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गाइस सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग। मिलते हैं सीधा आपसे अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then